100 करोड़ क्लब पर नाम लिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, और वो भी काइसरी रिकॉर्ड तोड़कर 100 करोड़ पर अपने फिल्म को ले जाना वाकई ही कमाल का है। और इस लिस्ट में थलापति विजय वर्सेस थलाइवर रजनीकांत का 100 करोड़ फिल्मों के बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप हो विजय या फिर रजनी का फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 8 शिवाजी वर्सेस थुपक्की। और इन दोनों फिल्म दोनों का कैरियर में फर्स्ट 100 करोड़ क्लब वाला फिल्म रहा। पहले बात करती हूँ थलाइवर रजनीकांत का एक्शन फिल्म शिवाजी को लेकर जो 2007 में आई, और इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया वापस आते हैं और वो कैश करप्ट पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो शिवाजी फिल्म कॉलिट का फर्स्ट फिल्म है जो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब पार किया, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ कलेक्शन किया है और ये फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। दूसरी तरफ थलापति विजय का कैरियर में पहला 100 करोड़ वाला फिल्म थुपक्की जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहा, और इसमें विजय को एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आई है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो विजय का कैरियर में फर्स्ट फिल्म है जो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कलेक्शन किया, और साथ में तमिल का फर्स्ट फिल्म है जो हिंदी डब्ड वर्जन छोड़कर पहला 100 करोड़ क्लब वाला फिल्म रहा, और इसका कलेक्शन रहा 130 करोड़, और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 7 पेट्टा वर्सेस बिगेली। और ये दोनों फिल्म विजय रजनीकांत का कैरियर में 700 करोड़ वाला फिल्म रहा। पहले बात करें थलाइवर रजनीकांत का एक्शन ड्रामा फिल्म पेट्टा को लेकर जो 2019 में आई, और इसमें रजनीकांत को काली के रोल में नजर आई है जिन्होंने कैसे ट्रेडेड गैंगस्टर गैंगस्टर में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो रजनीकांत का कैरियर में फोर्थ फिल्म है जो 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन किया, और इसके बाद यह तमिलनाडु का 600 करोड़ वाला फिल्म रहा, और जहाँ पर इसका कलेक्शन रहा 230 करोड़, और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ थलापति विजय का 2019 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है बिगेल, और इसमें विजय को वोमेंस फुटबॉल टीम का कोच के रोल में नजर आई है, और ये फिल्म उनका कैरियर में सबसे मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो विजय का कैरियर में फर्स्ट फिल्म है जो 300 करोड़ पार किया, और साथ में 7 तमिल फिल्म है जो तमिलनाडु पर 100 करोड़ पार किया, और बिगेल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 305 करोड़ कलेक्शन किया, और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 6 एंथिरान वर्सेस कत्थी। और बता दोस्तों ये फिल्म विजय रजनीकांत का कैरियर में सेकेंड 100 करोड़ वाला फिल्म रहा। पहले बात करूँ रजनीकांत का फिल्म एंथिरान को लेकर जो 2010 में आई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म, और इसमें साइंटिस्ट डॉक्टर वसे और दूसरी तरफ चिट्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये फिल्म तमिल का फर्स्ट फिल्म है जो 200 करोड़, दूसरी तरफ तमिल का फर्स्ट फिल्म है जो सिर्फ तमिलनाडु पर 100 करोड़ क्लब पार किया, और इसका कलेक्शन रहा 295 करोड़, और ये फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। दूसरी तरफ बात करूँ विजय के 2014 एक्शन फिल्म कत्थी को लेकर, इसमें विजय को डबल रोल में नजर है, और रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये फिल्म विजय के कैरियर में सेकेंड फिल्म है जो 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन किया, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 140 करोड़, और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 5 सरकार वर्सेस 2.0। और बता दोस्तों ये फिल्म दोनों का कैरियर में 600 करोड़ क्लब वाला फिल्म रहा। पहले बात करूँ थलाइवर रजनीकांत का एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म 2.0 को लेकर, इसमें रोबोट चिट्टी और पक्षी रचन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये फिल्म फर्स्ट तमिल फिल्म है जो 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन किया, दूसरी तरफ फोर्थ तमिल फिल्म है जो तमिलनाडु पर 100 करोड़ क्लब, और साथ में हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म है ऑल टाइम एवर। और थलाइवर रजनीकांत का ये फिल्म कलेक्शन किया है 800 करोड़, और ये फिल्म रहा सुपरहिट। और दूसरी तरफ थलापति विजय का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म आई सरकार, और इसमें विजय को एक कॉर्पोरेट मॉन्स्टर के रोल में नजर आई है। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो विजय के कैरियर में सेकेंड 200 करोड़ वाला फिल्म, दूसरी तरफ तमिलनाडु पर 300 करोड़ क्रॉस वाला फिल्म रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 255 करोड़, और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर 4 लिंगा वर्सेस थेरी। और बता दोस्तों ये दोनों फिल्म दोनों का 300 करोड़ क्लब वाला फिल्म है। पहले बात करूँ थलाइवर रजनीकांत का एक्शन ड्रामा फिल्म लिंगा को लेकर, जहाँ पर इसमें रजनीकांत के साथ अनुष्का शेट्टी लीड रोल में नजर आई है। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये फिल्म रजनीकांत का 300 करोड़ क्लब वाला फिल्म है, और इसका कलेक्शन रहा 155 करोड़, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। और दूसरी तरफ थलापति विजय का एक्शन फिल्म आई थेरी, जहाँ पर इसमें विजय को अपनी बेटी के लिए लोकल गैंग के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए नजर आई है। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये विजय के कैरियर में 300 करोड़ क्लब वाला फिल्म है,
और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 158 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 3 काला वर्सेस मार्शल। और बता दोस्तों ये दो फिल्म दोनों का 500 करोड़ क्लब वाला फिल्म है। पहले बात करूँ थलाईवर रजनीकांत का एक्शन ड्रामा फिल्म काला को लेकर, जहाँ पर इसमें कारी कलन कैसे रूथलेस पॉलिटिशियन हरी बाबू के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखेगी है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो फर्स्ट इंडियन फिल्म है जो सऊदी अरब में रिलीज हुआ था, और ये फिफ्थ रजनीकांत का फिल्म है जो 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड पार किया और इसका कलेक्शन रहा 160 करोड़ और ये फिल्म रहा एवरेज। दूसरी तरफ थलापति विजय का एक्शन थ्रिलर फिल्म आई मार्सल, और इसमें विजय को एक इंडियन डॉक्टर के रोल में नजर आई है जिन्होंने हेल्थ केयर ट्रेड के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो विजय के कैरियर में फर्स्ट 200 करोड़ वाला फिल्म और तमिलनाडु पर हिंदी डब्ड वर्जन के अलावा 200 करोड़ वाला फिल्म और साथ में सिर्फ तमिलनाडु का 100 करोड़ सेकेंड तमिल फिल्म रहा और इसका कलेक्शन रहा 260 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 2 कबाली वर्सेस वाइडबा। और बता दोस्तों ये फिल्म दोनों का कैरियर में 500 करोड़ क्लब वाला फिल्म रहा। पहले बात करूँ थलाईवर रजनीकांत का फिल्म कबाली को लेकर, जहाँ पर इसमें कबाली कैसे रिवेंज लेते हैं वह इसमें दिखाई है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो थलाईवर रजनीकांत का सेकंड फिल्म है जो 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड पार किया और साथ में इसका कलेक्शन रहा 290 करोड़ और ये फिल्म रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ थलापति विजय का एक्शन मसाला फिल्म आई वाइडबा, जहाँ पर इसमें कलेक्शन एजेंट वाइडबा का कहानी को दिखाई है। और अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये फिल्म विजय के कैरियर में 400 करोड़ क्लब वाला फिल्म है और इसका कलेक्शन रहा 115 करोड़ और ये फिल्म रहा एवरेज। नंबर 1 दरबार वर्सेस मास्टर। और बताए दोस्तों ये फिल्म इन दोनों का कैरियर में 800 करोड़ क्लब वाला फिल्म है। पहले बात करें थलाईवर रजनीकांत का फिल्म दरबार को लेकर, ये 2020 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें पुलिस ऑफिसर आदित्य और ट्रेड गैंगस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो थलाईवर रजनीकांत का फिफ्थ 200 करोड़ कलेक्शन वाला फिल्म है और इसका कलेक्शन रहा 200 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। दूसरी तरफ थलापति विजय का फिल्म है मास्टर, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलापति विजय विजय सेतुपति का बराबर टक्कर नजर आई है और इसी टक्कर बॉक्स ऑफिस तोड़ कर किया है कलेक्शन। और रिकॉर्ड की बात करूँ तो फिल्म उस वक्त ग्लोबल बॉक्स ऑफिस नंबर 1 पोजिशन पर था। और दूसरी तरफ ये फिल्म तेलुगु स्टेट पर विजय के कैरियर में बेस्ट कलेक्शन वाला फिल्म, और तीसरी तरफ ये फिल्म पूरे इंडिया का ऑल टाइम रिकॉर्ड वाला कलेक्शन किया है सऊदी अरब पर। और ऐसे कई सारे रिकॉर्ड बना के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 250 करोड़ और मास्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। तो सो ये रहा थलापति विजय, दूसरी तरफ थलाईवर रजनीकांत का 100 करोड़ क्लब वाला फिल्मों के बारे में। और इसके बाद आते हैं दोनों का अपकमिंग फिल्म, एक तरफ थलापति 65 दूसरी तरफ अन्नाथे। पहले बात करो अन्नाथे को लेकर तो एक एक्शन ड्रामा अपकमिंग फिल्म है और इसमें थलाईवर रजनीकांत के साथ नयनतारा कीर्ति सुरेश लीड रोल में नजर आएंगे। और बताओ दोस्तों अन्नाथे रिलीज होगा 4 नवंबर 2021 में। दूसरी तरफ थलापति विजय का अपकमिंग फिल्म है विजय 65, पूजा हेगड़े को पहली बार के लिए रोमांस करते हुए नजर आएंगे और इसमें थलापति विजय को काफी डिफरेंट अवतार में दिखाया जाएगा। और बता दोस्तों ये फिल्म रिलीज होगा संक्रांति 2022 पर। तो आपको क्या लगता है दोनों फिल्मों के बीच में कौन सी वाले सबसे फास्टेस्ट 100 करोड़ क्रॉस कर सकते हैं, कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, उसके बॉलीवुड साथ ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।